जी भाई अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीबॉडी, ये पार्सल पिंटू सिंह जी की गुजरात का पार्सल है, ठीक है ना। और ये पार्सल में मैं आप लोगों को दिखाऊं उस्ताद पौडी दादा की ये ताबीज़ फरमा है, बहुत ही खूबसूरत पतंगे हैं, ये धूल लड़ाने के लिए बहुत, ये आपका जाके पिंटू सिंह जी की अदब तरीकी, ये पौडी दादा की ध्वज फरमा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत पतंगे हैं, ये सब बहुत बेहतरीन तरीके से पौटीदा ने ज्वाइंट किया है। इसकी डिज़ाइन की फिनिशिंग देखो, आप लोग बिल्कुल करीब से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारा धवज फर्मा है, एक्चुअली बहुत थक गया भाई काम करते करते, अब बोर नहीं है, सब आप लोगों को दिखा दिया। ये शेख असगर नवाब जी की मानदार पतंगे हैं जो आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प्यारी पतंगे हैं, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हो। पदम जी की जुड़ी हुई पेपर है, हाँ, जो कि बहुत खर्च करके बनाया जाता है भाई साहब। पतंग की कीमत ऐसे ही ज़्यादा नहीं होता है, लोग समझते हैं इतना पतंग का दाम ज़्यादा क्यों है, लोग आज पतंग बनाए के ही 50-60 रुपया मांगते हैं, लेकिन क्या भाई इसमें खर्चा किया गया उसके बाद मंगाया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये ब्लैक ब्यूटी है, 2-3 चौके, और ये देखिए आपका जाके ये परी पतंगे हैं, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। ये भी परी पतंगे हैं, सब नॉर्मल परी नहीं है, सब डिज़ाइन है भाई साहब, वो नोक वाली है, ये अंदर वाली डिज़ाइन है। ये पदम जी में जुड़ा हुआ है भाई साहब, मुद्देदार असगर नवाब जी की। आप देखो ये राजीव यूनिक की पतंगे हैं भाई साहब, ऐसा कोई भी पतंग बना के देगा ना भाई साहब बहुत महंगा कीमत लेगा, लेकिन जो हमारा पतंगे हैं जो नॉर्मल पतंग की कीमत है, ये एक साथ मिला के हम लोग इसी कीमत में देते हैं, ताकि खिलाड़ी जो है भाई साहब खुश हो जाए, ठीक है, शौकीन जो है खुश हो जाए। ये भी ब्लैक ब्यूटी है, और ये देखो पदम जी की जुड़ी हुई आपका जाके बहुत ही प्यारी पतंगे हैं, ठीक है ना, राजीव की बहुत प्यारी पतंगे हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको बागादा की आपका जाके मशीनरी फिनिशिंग इसको बोला जाता है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटी पतंगे हैं सारे, ठीक है। ये ब्लैक ब्यूटी है, ये पदम जी में जुड़े हुए बहुत ही प्यारी पतंगे हैं, ये देखिए, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हो पतंग में कोई कमी नहीं है। अब मैं बताऊं आपको, पिंटी जी को एक शिव जी चाहिए था, तो बड़े भक्ति के साथ राजीव ने ये बना के दिया, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल जोरदार दोनों तरफ से, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखाऊं कमाल, एक जो क्या जोड़ाई है इसकी, आप लोग देखो, ठीक है, क्या जोड़ाई है आप लोग देख सकते हो, कितनी बारीकी से जोड़ाई है, ठीक है। ये पिंटू जी आप फ्रेम बना के आपका हॉल रूम में या कहीं भी आपको रखना हो, सजा के रखना, बिल्कुल यादगार। और इसको कैसा फ्रेम करना है मैं हर एक बंदा को बता दूंगा, इसका फ्रेम करने का एक नया तरीका आया है जो लाइफ टाइम रह जाएगा ये पतंग, ठीक है ना। अब मैं दिखाऊं गोगो की पतंगे, गोगो इस बार कमाल कर रहा है, ये सत्ता मारने वाली, छोटे पेज में सत्ता मारने वाली पतंगे हैं, इसकी खूबसूरती आप लोग देख सकते हो, लाजवाब, जितनी भी कहो उतनी कम है, ये देखो, ठीक है, ठीक है, बहुत प्यारी फरमा है, ये एक अनोखा फरमा है जो कि आप लोग बनाओ और करने बाद उड़ाओ, बहुत ही बेहतरीन पतंगे हैं। ये जीको उस्ताद की पतंगे हैं, मैं आज ज़्यादा लंबा नहीं गया, मैं थक चुका हूँ आज, ठीक है, बहुत सारा पैकिंग किया मैंने। और ये विक्की रॉय दादा की पतंगे हैं, ठीक है, सारी ऐसे ही पतंगे हैं, बिल्कुल कुछ गांठदार में मैंने दिया, ये गांठ कमान में है, इसकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने दादा को दिया। ये विक्की रॉय दादा की भी बहुत बेहतरीन पतंग होती है गेम लड़ाने के लिए। ये है उस्ताद तपनदा की पतंगे, ठीक है, मैं ज़्यादा घुमा घुमा के नहीं दिखा रहा हूँ, ये गुजरात जा रही है पिंटू दादा के पास, बहुत ही बेहतरीन इंसान है ये गुजरात के, और ये गुजरात का ये मेरा तीसरा पार्सल या चौथा पार्सल है ये 2 साल के अंदर। गुजरात में भी जहाँ पे लोग बहुत शौक करते हैं, लेकिन छोटी पतंग मीडियम पतंग उड़ाते हैं, लेकिन ब्रांडेड पतंग बहुत कम उड़ाते हैं, लेकिन ब्रांडेड पतंग भी ये लोग लेने लगे लगे, क्योंकि इन लोग सब रिचेस्ट मैन होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग कुछ पैसा इसमें खर्च कर रहे हैं और अपना शौक पूरा कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि टूर्नामेंट के पतंग जो है फेस्टिवल में लोग उड़ाने के लिए ले रहे हैं, सोचिए, ठीक है। तो खुदा हाफिज़ भाई, ये सब फैमिली मेम्बर लोग आपका पैसा लेंगे, और लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो पिंटू सिंह जी, आपको भी मैं बता रहा हूँ,
मेरा फेसबुक पेज में एक स्टार गिफ्ट जरूर करना, और एक स्टार गिफ्ट करने के बाद बहुत सारे स्टार दिया जा सकता है, तो आप बहुत सारा स्टार जो है फिर दूसरे दूसरे वीडियो में देते चले जाना, ठीक है ना भाई। खुदा हाफिज़।